हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक है विल्सनस थ्योरम क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी और नंबर थ्योरी में हमारा ये टॉपिक आज आता है ये हमारा लेक्चर नंबर नाइन है आज हम बात करेंगे इस पर विल्सन का प्रूफ और इस पर बेसिक नमेरिकल प्रॉब्लम्स ठीक है ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ये थ्योरम रिपीटली एग्जाम्स में पूछी जाती है ठीक है तो विलसेंस थ्योरम देखते हैं पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं इफ़ पी इज अ प्राइम देन पी माइनस वन अगर पी एक प्राइम है उसमें से हम माइनस कर देंगे वन को तो माइनस वन ऑफ फैक्टोरियल कांग्रेस वन तो उसका कॉन्ग्रेंस आ जाएगा माइनस वन मोड ऑफ पी ठीक है तो ये तो हो गया हमारा विल्सनस थ्योरम ये हमें प्रूफ करना है सो प्रूफ लेट पी बी अ प्राइम एंड लेट ए बी एंटीजर ठीक है सच डेट हमारे पास वन जो होगा ये लेस देन इक्वल टू होगा ए से और ए जो हमने बोला है कि जो इंटीजर है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किस से पी माइनस वन से ठीक है मतलब पी जो हमारा प्राइम नंबर है उसमें से अगर हम माइनस करें तो उसमें से हमारा जो ए है वो उसके लेस देन होगा दैन जो ए और पी का जी सी डी हमारे पास क्या आएगा वन आएगा सो द कॉन्ग्रेंस ऑफ ए ऑफ एक्स हम एक कांग्रेस कंसीडर करेंगे ए ओ एक्स कांग्रेस वन मोड ऑफ पी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन मोड ऑफ पी वो जब हम कांग्रेस हमारे पास ए एक्स कांग्रेस वन मोड ऑफ पी होगा तो उस वो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगा मोड ऑफ पी के लिए नाउ अब हम क्या करेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर रहे हैं लेट दिस सल्यूशन बी बी वो यूनिक सोल्यूशन जो होगा वो हमारे पास क्या हो गया हमने एज्यूम कर लिया वो हमारे पास बी होगा तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे बी रखेंगे देन ए बी कांग्रेस वन मोड ऑफ़ पी ठीक है ये हो गया तब हम इसको कैसे लिख देंगे इफ़ बी इज ए बी कांग्रेस ए मोड ऑफ पी ए इधर लिया है देन ए स्क्वायर कांग्रेस ऑफ वन मोड ऑफ़ पी ठीक है अब बी की जगह हम हमने क्या ले लिया बी की जगह हमारे पास हो गया कांग्रेस ए मोड ऑफ पी ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कांग्रेस वन मोड ऑफ पी नाउ अब हम इसको किस तरह से लिख देंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी डिविजिबल करेगा किसको ए स्क्वायर माइनस वन को ठीक है तो मतलब ए स्क्वायर माइनस वन हमें दो सोल्यूशन देगा तो पी डिविजिबल बाय ए माइनस वन और पी डिविजिबल ए प्लस वन सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कांग्रेस की फॉर्म में ए कांग्रेस वन मॉड ऑफ पी जब ए और पी का डिविजिबल होगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा वन आएगा मतलब उसका जे सी डी वन आएगा यहाँ अगर माइनस होगा ए माइनस वन तो हमारे पास तब तो इसका जे सी डी वन देगा और यहाँ पर हमारे पास ए प्लस वन है तो इसका जे सी डी हमारे पास माइनस वन आएगा ठीक है नाउ दिस सोज डैट फॉर ईच इंटीजर्स पी ब्रों टू कॉमा थ्री कॉमा डस डैस पी माइनस टू हमने ये बताना है कि हम हमारे पास जो हमने पी इंटीजर्स लिया था वो अगर बिलोंग करेगा टू कोमा थ्री डैच डैस पी माइनस टू टर्म्स को तो, तो दे आर एगजिस्ट अनेदर इंटीजर अनेदर इंटीजर को एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर पी बी डैस होगा वो बिलोंग करेगा किस में 2, 3, देश देश टू कोमा थ्री कोमा डैस पी माइनस टू ठीक है सज डेट बी ऑफ बी डैश कांग्रेस वन मॉडल ऑफ बी मेक्स पेयर ऑफ बी डैश ऑफ एक्स ठीक है ये इस तरह से पेयर्स करेगा कि वन लेजन ऑफ बी लेसन ऑफ बी माइनस वन विद बी डबल डैश ऑफ एक्स डिज डेट टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव डिस डिस पी माइनस ऑफ टू कांग्रेस वन मोड ऑफ पी ठीक है इस इंटरवल के बाद हमारे पास ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी उसमें हमारे पास क्या हो गया जब ये टर्म कहाँ तक जा रही है पी माइनस ऑफ टू इसको हम कैसे लिख सकते हैं पी माइनस ऑफ टू ऑफ फैक्टोरियल कांग्रेस वन मॉड ऑफ पी और पी माइनस ऑफ टू लेकिन हमें फॉर्मूले में लेकर आना है पी माइनस वन ऑफ फैक्टोरियल इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पी माइनस वन ठीक है फिर पी माइनस टू ऑफ फैक्टोरियल कांग्रेस पी माइनस ऑफ वन मोड ऑफ पी जब दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ हो और बीच में हमारे पास पी माइनस ऑफ टू फैक्टोरियल मतलब जो वैल्यूज़ हमने जिसमें से रिड्यूस करके फैक्टोरियल लिखा है वो हो तो हमारे पास राइट हैंड साइड में यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं पी माइनस वन ऑफ़ फैक्टोरियल कांग्रेस वन मोड ऑफ़ पी नाउ अब हम बात करते हैं इस पर बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द रिमाइंडर वेन टू इंटू ट्वेंटी एट फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई थर्टी वन ठीक है वेलसेंस थ्योरम हम इसमें अप्लाई करेंगे वाई वेलसेंस थ्योरम पी माइनस वन ऑफ फैक्टोरियल कॉन्ग्रेस माइनस वन मोड ऑफ पी हमारे पास ये अब हमें किसके लिए निकालना है टू ट्वेंटी एट ऑफ फैक्टोरियल अब यहाँ ध्यान दें ट्वेंटी एट मतलब हमारे पास डिविजिबल किससे हो रहा है थर्टी वन तो थर्टी वन में से ऐसे क्या माइनस करें कि हमारे पास ट्वेंटी एट आ जाए तो थर्टी वन में से माइनस करेंगे हम थ्री को तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट और थर्टी वन हमारे पास कैसा है प्राइम ये आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर जो भी टर्म आपको थर्टी वन दी होगी आपको उसमें से कुछ माइनस करना है अब वो वाली टर्म लेके आनी है जो हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टोरियल में पूछी गई है वो आ जाए ठीक है अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ माइनस वन है तो इस माइनस वन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं इस टर्म को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं जैसे कि हमने ऊपर फैक्टोरियल में हम माइनस वन लिखाए थे लेकिन उसको हम माइनस वन को हटाएंगे तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं p माइनस ऑफ टू फैक्टोरियल कांग्रेस वन मोड ऑफ p अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय टू क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लिकेशन में टू आ रहा था तो टू पी माइनस ऑफ टू फैक्टोरियल कांग्रेस टू मोड ऑफ पी अब पी माइनस ऑफ टू फैक्टोरियल को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं टू पी माइनस ऑफ टू पी माइनस ऑफ थ्री फैक्टोरियल कांग्रेस टू मोड ऑफ पी ठीक है अब इस ट्रम को हमारे पास यहाँ पे भी पी माइनस ऑफ टू और पी माइनस ऑफ थ्री और इंटू टू है ठीक है अब हम इसको किस तरह से लिख देंगे टू पी माइनस ऑफ थ्री इज इक्वल सॉरी कांग्रेस माइनस वन मोड ऑफ पी

थर्टी वन तो में से जब हम माइनस करेंगे थ्री को तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट फैक्टोरियल कॉन् इज ई कॉन्ग्रेंस माइनस वन मोड ऑफ थर्टी वन अब यहाँ पे ध्यान दें थर्टी वन में से जब हम माइनस करेंगे वन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा थर्टी ठीक है जब भी हम ये करते हैं तब हमारे पास उसका क्या आ जाता है रिमाइंडर तो थर्टी मोड ऑफ थर्टी वन तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आया इसमें थर्टी वन वो सॉरी रिक्वायर्ड आंसर क्या है रिक्वायर्ड आंसर क्या है इसमें हमारे पास थर्टी सो so, इस क्वेश्चन में हमसे रिमाइंडर पूछा जाता है विल्सन थ्योरम में सो विल्सन सॉरी विल्सन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हमें रिमाइंडर पूछा जाएगा उसमें हमें एक डिविजिबल किससे होगा वो वाली वैल्यू दी जाएगी और हमें इस तरह से फैक्टोरियल में कुछ क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी बस आपको ध्यान देना कि जो डिविजिबल वाली वैल्यू है वो हमारे पास कैसी होनी चाहिए प्राइम होनी चाहिए और जो टू फैक्टोरियल या टू करके कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में हो वो माइनस या प्लस करके हमारे पास कुछ ये वाली टर्म आनी चाहिए ठीक है और यहाँ पर ये यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के रिगार्डिंग यहाँ पर जो जी होता है वेल्सनस थियोर में वो क्या आता है माइनस वन आता है तो वो आपको ध्यान होना चाहिए ठीक है आई होप आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जो बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा सो uh, so अगर आपने इस चयपनी हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलता है नेक्स्ट वीडियो में